हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेस्टबुक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कल पोस्ट किया गया था, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर लिखा एंड दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं और काफ़ी अच्छे आंसर मतलब फ्लो चार्ट बना के, सॉल्यूशंस को लिख के, वे फॉरवर्ड लिख के काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट आप लोगों ने किया है। तो चलिए अब ये डिस्कशन की बारी आ जाती है। तो क्वेश्चन का देखते हैं, पहले क्वेश्चन है क्या, हाउ कोविड 19 पेंडेमिक। क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग हाउ कोविड 19 पेंडेमिक अफेक्ट एनवायरमेंट, डिस्कस पोटेंशियल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देखिए आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसमें पूछा गया कि कोविड 19 ऑन एनवायरमेंट का इंटर रिलेशन बताना है, और दूसरा पार्ट है जिसके अंदर पोटेंशियल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबिलिटी को मैंशन करना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर चैलेंजेस जो होंगे वो क्या होंगे, या फिर मैं बोलूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा जेन्युइनली। पहली चीज, आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट अलग होगा जिसके अंदर कि आप कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद लिखोगे कोविड 19 एंड एनवायरमेंट, ये हेडिंग देना जरूरी होगा आपके लिए। और दूसरे वाला पार्ट होगा पोटेंशियल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और उस पार्ट को आप अलग से डिस्कस करोगे। मतलब ये दो पार्ट होंगे जो आप जेन्युइनली डिस्कस करोगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस तरीके से रैंडम हेडिंग नहीं दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। जो मैंने देखा उसमें क्या हुआ, आपने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों पार्ट अलग से एड्रेस किए हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है किसी क्वेश्चन के अंदर जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर आपका स्मूथ ट्रांजिशन भी होना चाहिए। ठीक है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे स्मूथ ट्रांजिशन भी होना चाहिए। देखिए, ये वीडियो आपको इसलिए बनाया जा रहा है, ये वो नहीं है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये लिख दो बस, ऐसा नहीं होता। ये तो सबको पता है कि ऐसा लिखना होता है, लेकिन अब कैसे करना है उस चीज को, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप जो मिस्टेक करने वाले हो, बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर देखा जो मेरे पास आए और उसमें मुझे पता लगा कि कोविड 19 के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया कि कोविड 19 स्टार्टेड फ्रॉम वुहान एंड स्प्रेडेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट डू यू थिंक क्वेश्चन की डिमांड है कोविड 19 के बारे में पूछने की? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले पार्ट में सीधा बोला है कोविड 19 और एनवायरमेंट के कोरिलेशन को आपको बताना है, आपको कोविड 19 के बारे में नहीं बताना। इसलिए आपका इंट्रोडक्शन जो है इन दोनों को कोरिलेट करके होना चाहिए। क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए? ड्यू टू द मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एयर क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड इन मैनी सिटीज विद अ रिडक्शन इन द वाटर पोल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही साइड की पिक्चर दिखाता है, इसलिए आपको अगले पैराग्राफ से क्या करना है, अगले पैराग्राफ से देखना है कि बिसाइड इंक्रीज द यूज ऑफ पीपीई दैट इज फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एंड सो ऑन एंड देयर हैफजर्ड डिस्पोजल, द जनरेशन ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ये आपको एक जनरल आइडिया दे देना एग्जामिनर को कि भाई आप एक बैलेंस अप्रोच के ऊपर चलने वाले हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 20 मार्कर क्वेश्चन है तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन के अंदर दो पैराग्राफ, दो अलग अलग लाइन के अंदर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करोगे आप, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पार्ट को और एड्रेस करना है कि कोविड 19 का एनवायरमेंट पे कैसे इंपैक्ट हुआ। तो यहां पे इसको अगले पार्ट से इंटरकनेक्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे कि बाय दिस वे कोविड 19 इंपैक्टेड द क्लाइमेट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर्स विच आर, ये करके और आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप लिखेंगे यहां पे कोविड 19 पेंडेमिक, ठीक है, और इधर आप लिखेंगे कि लॉकडाउन वगैरह रेस्ट्रिक्शंस जो इंपोज किए गए उनके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। मतलब ये जो पूरा बेस होगा आपका ये पॉजिटिव इंपैक्ट वाला होगा, इधर लिखोगे आप नेगेटिव इंपैक्ट वाला। ठीक है, तो मैंने काफी सारे लोगों की कॉपी देखी, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखे भी हैं। पहला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, रिड्यूस ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, रिडक्शन इन द प्रेशर ऑन टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये आपके चार पॉइंट हो गए। ऐसे ही नेगेटिव के ऊपर जाओगे तो इंक्रीज इन द मेडिकल वेस्ट,
दूसरा नेगेटिव क्या होगा? हैफजार्ड पीपीई किट को डिस्पोज करना। तीसरा नेगेटिव क्या होगा? म्यूनिसिपल वेस्ट को अच्छे से मैनेज ना करना, कलेक्ट ना करना। और फोर्थ होगा कि रिसाइकलिंग ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट भी ना करना। ये होंगे आपके 8 पॉइंट, जो कि क्या है, पॉजिटिव 4, नेगेटिव 4। ठीक है, इसके बाद में आप क्या लिखोगे? सस्टेनेबिलिटी, दूसरा पार्ट पे आओगे क्वेश्चन के। लेकिन जब दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो फिर से आपको कनेक्टिविटी शो करनी है। कनेक्टिविटी शो करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यू मस्ट गिव समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर, और आपका क्या करे, एक अच्छी कनेक्टिविटी को शो भी कर पाए। क्या लिखोगे आप? As all the positive impacts were temporary in nature, because temporary in nature, because they were gained at the cost of economic development. Obviously बात है कि economic development को रोक के ही हमारे पास वो solutions आए थे। To make them sustainable, to make them sustainable, following steps need to be taken. ये हुआ आपका transition phase from part one of the question to the part two. Second part तक अगर transition करना तो आपको ये कुछ करना पड़ेगा। और फिर आप बताएंगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि हाउ सस्टेनेबल इट विल बी, कैसे होगा। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हम करेंगे कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। देखिए उस टाइम पे हमें एनवायरमेंट से सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे कि एट दैट टाइम हमें क्या मिला, COVID-19 के रेस्ट्रिक्शन की वजह से एनवायरमेंट को बेनिफिट मिला, बट ऐसे कोई स्टेप नहीं थे जो COVID-19 के लिए लिए गए हो और एनवायरनमेंट के साथ हमारा कंसिडरेशन हो, हमारा बाय एक्सीडेंट हमें एनवायरनमेंट में फायदा मिला है वहां पे। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि जो हमें उस लेवल पे मिला हो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ा था, ट्रेड ऑफ करना पड़ा था, वी कांट ट्रेड ऑफ इट। दूसरा, अब ऐसा करने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि पेरिस क्लाइमेट समिट से जैसे यूएस बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप करेंगे बिहेवियर चेंज इन डेली लाइफ। देखिए कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसी चीजें आप यूज करोगे अपने आंसर के अंदर कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या स्टेप ले सकता हूं, मैं एटलीस्ट अपनी जिम जाता हूं, या मैं एटलीस्ट अपनी ग्रोसरी खरीदने जाता हूं तो मैं साइकिल का यूज कर सकता हूं, मैं एक अपने ऑफिस जाते हुए एक शेयरिंग कैब का यूज कर सकता हूं, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन करोगे इंडिविजुअल लेवल पे। फिर आप क्या करोगे, इकोलॉजी को रिस्टोर करने की बात, जिसमें आप डेटा मेंशन करोगे, वन इंडिविजुअल अगर 9 ट्रीज को ग्रो करता है तो वो अपनी पूरी लाइफ की लगभग बैलेंस कर देगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा, तो ये आप मेंशन करो। फिर हम वेस्ट रिसाइकल के ऊपर फोकस करें, जिसमें म्युनिसिपैलिटी और इंडिविजुअल दोनों की बात की जाए। फिर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं, और फिर हम ग्रीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करें। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें होंगी जो सस्टेनेबिलिटी में होंगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि एक तो दोनों पॉइंट ही अलग अलग लिखोगे आप, 8 पॉइंट आपके वहां हो जाएंगे और 8 पॉइंट लगभग आपके यहां हो जाएंगे, और आपका ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लास्ट में मेंशन करोगे इंडिया जो कि एस्पायर टू बिकम 5 ट्रिलियन। आप कंक्लूड कैसे करोगे इसको, कंक्लूड करते हुए आप लिखोगे इंडिया हु aspire to become $5 trillion economy can't take the ways of COVID-19 restrictions to sustain the environment. So we need coherence in policies at the
इंडिविजुअल एट द इंडिविजुअल टू पंचायत टू डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट टू सेंटर एंड अप टू इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, देखिए कई बार आप ये जो रिपीटेटिव सेंटेंस का यूज करते हो टू दैट टू दैट का मतलब होता है कि आप एग्जैगरेट कर रहे हो कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जो मुझे करना चाहिए, और इसमें आप दिखा रहे हो कि जो आपकी डाउन टू टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, या फिर आप ये करोगे कि पंचायत से जो चेंजेस लेके आना चाहते हो आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी लेके जा सकते हो, और यही आज की रिक्वायरमेंट है। राइट, सो दिस इज द वे बाय विच वी आर गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर। होपफुली ये बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दे देगा, और एक अच्छा सा आप मैप बनाएंगे जिसके अंदर ये दिखा देंगे हाईली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर कुछ ज्यादा ही कंसर्न थे कोविड 19 के टाइम पे, लेकिन उनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी काफी पॉजिटिव रहे थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच, अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, ऑप्शनल ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, तो 1st ऑफ अगस्त 2023 से वी आर स्टार्टिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। 1st अगस्त को आप क्लास अटेंड करना ना भूलें। ये सेशन की पीडीएफ चाहिए तो कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्विज एंड पोल्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाके अपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझसे बात करनी है तो कपिल भारद्वाज फॉर यू इज द इंस्टा आईडी जहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाएगा और आप उसके अंदर अपनी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को पेस्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।